देखा जाए मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग माय ब्रदर माय मेरे जो भी मेरे फादर के ब्रदर्स थे मेरे ताया चाचा वो सब मेरी पूरी फैमिली जम्मू कश्मीर बॉर्न है. लेकिन कुछ साल पहले जब मेरे दादाजी लाहौर जो कि लाहौर से हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे जम्मू कश्मीर में तो कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर प्रिपेयर नहीं किए. तब से लेकर आज तक हम लोग वी आर नॉट कंसीडर्ड एज द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लोगों की मदद करने के लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं बट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं. यू गेट कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू हाउ टू डू. अफसोस इस बात का होता है कि मेरी मदर का स्टेट सब्जेक्ट था शी वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट बट बिकॉज मेरे दादाजी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए और वो अपने आप को रेजिडेंट नहीं प्रूव कर पाए मेरे फादर का भी नहीं उस टाइम पे स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट बना. एंड जो मेरी मदर थी सबसे बड़ा जो धक्का लगता है बात सुन के जो अजीब अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है कि मेरी मदर का जो स्टेट सब्जेक्ट था उस पर मैंशन था वैलिड टिल मैरिड द डे शी गॉट मैरिड टू समबडी हु इज़ एन आउटसाइडर जो कि स्टेट से बाहर के हैं उनका स्टेट सब्जेक्ट जो है वो उसी दिन कैंसिल हो गया. अब मैं मेरी फैमिली मेरा ब्रदर हम लोग इस जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं. मैं 2 साल से यहाँ के लोगों की सेवा कर रही हूँ लेकिन आज के टाइम पे भी मुझे जम्मू कश्मीर ने एक्सेप्ट नहीं किया. और शायद अगर मैं स्टेट सब्जेक्ट होती तो आई वुड हैव अप्लाइड फॉर सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑल. ना हमें कॉलेजेस में यहाँ पे एडमिशन ना हमें यहाँ की सिविल सर्विसेज के लिए एडमिशन. आपने इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है? जी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ चीज़ों के जवाब ही नहीं है. जब मैंने उन्हें बोला कि मेरे फादर या किसी और जो कि रेजिडेंट यहाँ के हों जम्मू कश्मीर के अगर वो बाहर की लेडी से शादी करते हैं तो उनका क्यों नहीं स्टेट सब्जेक्ट पर कैंसिल होता विच इज़ क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन. और मैं अकेली नहीं हूँ. फिर मैंने 1 साल इस पर वर्कआउट किया. मैंने उन औरतों से उन लोगों से मिलने की कोशिश की. 700-800 फीमेल्स सो फार जम्मू कश्मीर की हाँ जो अभी तक मेरी नज़र में आई हैं जो सामने आई हैं किसी के थ्रू जो मेरे टच में आई हैं हिसाब लगा लो 300-400-500 तो डिवीज़न जम्मू की ही होंगी. बेसिकली बशारत जी वो हमसे डिमांड करते हैं कि आप अपने फोर फादर्स की ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिए कि यहाँ पे कोई उस तरह का प्रूफ हो कि आप स्टेट सब्जेक्ट रह चुके हैं आपके फोर फादर्स यहाँ के. मेरा एक सिंपल सा सवाल है सिंपल इन द वेरी बेसिक फॉर्म. माना मेरे फोर फादर्स जो थे वो यहाँ के नहीं थे पर उसमें मेरी क्या गलती है कि मैं जम्मू कश्मीर में पैदा हुई. तो ये किस विमेन एम्पावरमेंट की किस बेटी बचाओ ऐसी बेटियों को बचा के आपने क्या करना है. अगर उनको दरबदरी करना है तो ऐसी बेटियों को मार दो टच नहीं कर रहा. इट इज़ ऑल अबाउट 35. तो इट इज़ नॉट माय कंसर्न वेदर द गवर्नमेंट अबॉलिशेस 35A और नॉट. मेरा कंसर्न नहीं है. मेरा कंसर्न ये है कि एटलीस्ट जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको उनके राइट्स मिले. उसके लिए अगर उनको अमेंड करना पड़ता है अमेंडमेंट्स लानी पड़ती हैं तो मुझे नहीं लगता कि अपने पॉलिटिकल करियर के लिए या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उसको डिले करना चाहिए. जम्मू डिवीज़न की औरतें हैं वो ये चीज़ ज़्यादा फेस करती हैं क्योंकि यहाँ पे कश्मीर सिंस इट्स मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर जो निकाह हैं वो आपस मतलब स्टेट के विद इन स्टेट ही हो जाते हैं. और यहाँ सफ़र कौन करता है डोगरा फीमेल्स जो कि बाहर शादी करती हैं एंड दे लूज ऑल देयर राइट्स जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बिताई है. मैं यहाँ पैदा हुई पूरी ज़िंदगी मैंने यहाँ बिताई बट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. वील बी गोइंग टू दिल्ली. हम लोग वहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आई थिंक क्या जो मैंने अभी तक सोचा है हम लोग वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे. मेरी असलियत क्या है मेरी शख्सियत क्या है मेरी आइडेंटिटी क्या है मुझे वो बताएं तो मैं क्या बोलूँ कि मैं हिंदुस्तान की किस पार्ट से किस हिस्से से. राशन कार्ड वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपके पास है या इनके लिए भी आपको जूझना पड़ा था बट ये हमें मिल गए थे क्योंकि राशन कार्ड पे मैं सिंस मेरे दादाजी भी यहाँ पे रहते थे यहाँ पे उनका रेजिडेंस प्रूफ था कि वो रह रहे हैं
रेजिडेंस प्रूफ आज भी है, मेरे फादर का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आज भी है, उनके बेसिस पे हमें राशन कार्ड वगैरह तो प्रोवाइड हो गया था, लेकिन हमें स्टेट सब्जेक्ट जो है वो नहीं. तो लोगों के बने भी हैं स्टेट सब्जेक्ट्स, अगर मेरे फादर का नहीं बना तो हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन मेरी मदर का क्यों कैंसिल हुआ और आज के डेट में मेरा क्यों नहीं बन रहा, मेरी जंग वो है.